श्री राम समर्थ श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि श्री सीतारामचंद्रो विजयते ओम नमो भगवते श्री आंजनेयाय श्री हनुमते नमः। समस्त आस्तिक व श्रद्धालु भारतवासियों, भक्तों एवं भाविक जनों से इस संदेश के द्वारा एक नम्र निवेदन करना चाहते हैं। वर्तमान में संपूर्ण विश्व इस कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस अत्यंत भीषण दुख से, कष्ट से सही सलामत बाहर निकलना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है। विश्व के सभी वैज्ञानिक, डॉक्टर्स व विभिन्न क्षेत्रों के कुशल विशेषज्ञ भी इसका पूर्ण निदान करने में असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। अतः सामान्य जन को भी इस बीमारी के कुप्रभाव से बचने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे कठिन समय में हमारे पास एक आधार अवश्य है जो हमारी रक्षा कर सकता है, वह है ईश्वर। इस ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के अलावा हम जैसे भक्तों के पास दूसरा कोई साधन नहीं है। हम भारतीय स्वभावतः ईश्वर की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा एवं अनुकंपा में विश्वास रखते हैं। ऐसे भीषण समय में जिस प्रकार द्रौपदी व गजेंद्र ने आर्त भाव से ईश्वर की प्रार्थना कर उन्हें सहायता के लिए पुकारा एवं प्रकट होने के लिए विवश किया, ठीक उसी प्रकार लाखों भारतीय भक्तों के पास भी इस समय अत्यंत आर्त भाव से ईश्वर की प्रार्थना करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह त्रिवार सत्य है। इसी आर्त भाव से कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हेब्बल्ली ग्राम के सदगुरु श्री ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज स्थिरपादुकाश्रम अर्थात चैतन्याश्रम के सदगुरु श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज जी के दिव्य सान्निध्य में 11 करोड़ श्री हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प किया गया है। विश्व के सभी भक्तों से, विशेषतः भारतीय भक्तों से, साधु संतों से, साधकों से अत्यंत विनम्र निवेदन है कि हम सब आगामी 3 वर्षों तक पूर्व संकल्पित श्री हनुमान चालीसा के प्रतिदिन कम से कम 11 पाठ करने का व्रत करें। इसी संकल्प के विषय में शनिवार दिनांक 22/5/2021 को सायं 7:30 बजे हिंदी में विस्तृत प्रवचन होगा, जिसका फेसबुक पर लाइव प्रक्षेपण किया जाएगा। अतः समस्त विश्वव्यापी भक्तों से अनुरोध है कि आप इस प्रवचन का लाभ लेकर संकल्पित 11 करोड़ श्री हनुमान चालीसा पाठ में सहभागी होकर वर्तमान महामारी के प्रचंड तांडव नृत्य को महारुद्र स्वरूप श्री हनुमान जी की कृपा से शांत करके विश्व को इस महामारी के दुख से बाहर निकालने का अपनी सेवा रूपी पुष्पांजलि अर्पण करें। इस प्रकार हम इस दुखमय वातावरण को दूर करके पुनः एक बार सब शांति व समाधान पूर्ण जीवन व्यतीत करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। नम्र सूचना, प्रवचन के बाद 11 करोड़ श्री हनुमान चालीसा पाठ के इस भव्य एवं दिव्य अनुष्ठान में आप सब किस प्रकार सहभागी हो सकेंगे, इस विषय में विस्तृत सूचना व्हाट्सएप के द्वारा आपको भी दी जाएगी। संपूर्ण मनुष्य समाज के हिताकांक्षी सद्गुरु विधेय दत्तावधू चैतन्याश्रम श्री क्षेत्र हेब्बल्ली तालुक जिला धारवाड़ कर्नाटक।